हेलो ब्लडी आर्मी, क्या बोले तो सब मजे में ना। वेलकम बैक टू द बिगेस्ट रोस्ट ऑफ माय लाइफ। बहुत रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ, कहीं बोले तो मालूम कमेंट सेक्शन में क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। तो डोंट वरी, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ मैं ऑफ नहीं ऑन रखने वाला हूँ, कहीं बोले तो जो भी होता बिंदास देखेंगे यार। और एक चीज़, किसको भी पर्सनल हेट नहीं है इसमें, सब लोग अपने भाई लोग हैं, सब लोगों को सब लोग इंस्पिरेशन है अपने। और अगर कैरी के कमेंट सेक्शन से कोई भी आए तो वेलकम बैक। आए सोचते को सब्सक्राइब कर दे के, जो मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, ये खास बोलना पड़ा मेरे को। ओके ना, समझदार है, समझदार को इशारा करती है। तो आज अपन रोस्ट करेंगे इंडिया को, पूरे इंडिया को, सॉरी इंडिया इंडिया यूट्यूब इंडिया को रोस्ट करेंगे अपन। इंडिया बिगेस्ट यूट्यूबर्स यार, आता कहाँ पर इंतर कहाँ पर, बट करेंगे, ठान लिए तो करने का नहीं। क्या? नहीं, ये साउंड इफेक्ट नहीं होता, ये है अपने ट्रिगरी कार की आवाज, मींस ट्रिगर्ड इंसान की हंसी तो नहीं बोल सकते। फिर क्या बोलिए अपन इसको, हाँ एस्केलेटर, हाँ एस्केलेटर। सो ये है ट्रिगर्ड इंसान, द रोस्टर, द गेमर, नहीं सॉरी नूब गेमर। सिर्फ कहने को ये बंदा रोस्टर है। अगर ट्रिगर्ड इंसान ने जिसको भी रोस्ट किया ना, तो बंदा आएगा ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो पे गाली लिखने, मगर इसकी वीडियो देख के बंदा इसको सब्सक्राइब कर देके जाएगा। इमोशनल डैमेज। रोस्ट का मतलब होता है फ्राई करना। तुम वॉश क्यों करते हो यार ट्रिगर्ड भाई, गलत। जो खाते खाते कंटेंट बना ले वो है ट्रिगर्ड इंसान, जो इंस्टा का हर ट्रेंड फॉलो करे वो है ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड भाई अपने खा खा के एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज शादी है, कार तो स्टार्ट होनी है, और बिना भाई के एस्केलेटर के कार स्टार्ट थोड़ी ना होनी है, नहीं क्या? और पता है ट्रिगर्ड भाई को अगर कहीं भी जाना हो ना, तो वो सबसे पहले अपना वॉल्यूम डाउन करते, क्योंकि अगर वॉल्यूम अप रखे गए तो वो जगह का क्या हाल होगा पता ही है, नहीं क्या? चलो अब बड़े भाई की बात करें तो छोटे भाई की भी बात कर लेंगे। यस सस्ता मिस्टर बीट्स। भैया का नाम है पप्पू ठाकुर, और ये भैया यहाँ पर काटते 20 रुपए बाल काटते हैं, बाल बहुत ज्यादा खराब हो गया, और भाई बड़ा रिस्की काम कर रहा है मेरे को। चलो हाँ करो करो यार, डर क्यों रहो, ऐसी कैंची लगते हो, बहुत डर लग रहा है भैया, बहुत टीवी देखते हैं भाई, बात है भैया की एकदम से बड़ी बड़ी मस्त मस्त है। Moments later. Okay, तो फाइनली हमारे बाल सेट हो गए हैं, और भैया कंघी बड़ी जोरी मारते बस बड़ी दर्द हुई कसम से, और दिस इज आवर रुपीस 20 हेयर कट लुक। उग्रा इंसान, द ओनली यूट्यूबर जिसकी वीडियोस इंग्लिश में डब्ड रहती है। अबे वो मिस्टर बीस्ट है, ये फुकरा इंसान है, दोनों अलग अलग है। ओह सॉरी सॉरी, मुझे लगा दोनों एक ही है। बाय द वे दोनों भाइयों का कंटेंट रहता अलग अलग, डिफरेंट एकदम, वो कहाँ की ये कहाँ की। और इंडिया में हर किसी के पास एक ऑडियंस जरूर होती है, लेकिन अपने फुकरा भैया के पास दो दो ऑडियंस है, एक इनकी यूट्यूब वीडियोस वाली ऑडियंस, दूसरी बिग बॉस वाली ऑडियंस, OTT2 वाली ऑडियंस। बिग बॉस से अच्छा था एक और चीज़ है जिससे फुकरा भैया को नफरत है, बिल्कुल नफरत, और वो चीज़ है ट्रॉफी। आई नो यू नो, फुकरा इंसान, द ओनली यूट्यूबर जो मिस्टर बी से एक्यूरेट इंस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, इंस्पायर्ड है, जिसने एक्यूरेट इंस्पिरेशन ली है, सॉरी इंस्पायर्ड है वो, इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन ली है कि तो है ना। चलो अपन क्या करेंगे, एक मिस्टर बी बाय करेंगे AI से। सो AI, शो मी मिस्टर बी, मिस्टर बी शो मी द मिस्टर बी।
थोड़ा सस्ता वाला दिखाना, ये चलेगा। फुकरा इंसान में और मिस्टर बीस्ट में एक चीज़ कॉमन है, प्रमोशन। अगर मिस्टर बीस्ट की हिंदी डबेड वीडियो देखना है तो फुकरा इंसान देख लो, अगर फुकरा इंसान की इंग्लिश डबेड वीडियो देखना है तो मिस्टर बीस्ट देख लो। क्या ही फ़र्क है दोनों में, ये देखो ये देखो ये देखो ये भी देख लो, क्या है कुछ डिफरेंस नहीं ना। सोचो प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया लेकिन प्रिंसिपल भाऊ है। तेरे को बैठने को बोला, उठ खड़े हो। अरे भाऊ अभी तो बस आया ही है, क्यों फट रहे हो? बैठ बैठ तू अभी बैठ। अरे अरे लेकिन फिर बुलाया क्यों है यहाँ पे? तेरी तो बेटा उसका डायग्राम नहीं होता, उसका तो प्रैक्टिकल ही होता है। आओ कैबिन में। खैर मिनाती इसके ऊपर वीडियो बना के हमको रोना बहुत आती है, इसलिए हमने लगा लेती चश्मी। सो अगर YouTube रील्स है ना तो कैरी मिनाटी का कमेंट सेक्शन। यू नो व्हाट, मिस्टर फैजू और कैरी मिनाटी में एक सिमिलैरिटी है यार। क्या बोले तो दोनों का भी करियर टिकटॉक से बना। फर्क सिर्फ इतना है, एक ने टिकटॉक गिरा कर बनाया, टिकटॉक पर गिर कर बनाया। नहीं क्या, हक से टिकटॉक लाला, हक से टिकटॉक आराम से वरना स्पीकर आप फटने लगेंगे, कानों से खून निकलने लगेगा, मुंह से गालियां निकलने लगेगी। जरा आराम से ब्रो। और मेरे में और कैरी में भी एक सिमिलैरिटी है, हम दोनों भी कॉलेज लाइफ सिर्फ सुने और देखे, कभी एक्सपीरियंस नहीं करे। इमोशनल डैमेज। कैरी अपने वीडियोस में इतना लाउडली रोस्ट करता है ना, अगर कोई अपना फोन म्यूट पर रख देगा ना तब भी उसको कैरी सुनाई देगा जोर जोर से। कैरी की वीडियोस में से अगर गालियां हटा दो ना तो उसकी वीडियोस बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे बिना दूध और चाय पत्ती की चाय। यू आई नो यू नो ना, क्या लगा था कैरी को कोई रोस्ट नहीं कर पाएगा? आज ही मेरा भाई पेड़े बांट रहे हो? पेड़े नहीं, खुशियां बांटो। दीजिए क्यों? मेरी माँ कहती थी खुशियां बांटने से सबके सब लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने हो जाते हैं। अरे लीजिए ना, आप लीजिए ना, लीजिए भाई। ये पेड़ा अजीब क्यों बन रहा? आशीष भाई जरा मालूम करो, क्या मालूम तुम्हारे भी कोई तभी ऐसी पेड़ा बीड़ा खिला दी होंगे बोल के। कई को बोले तो तुम्हारे तो तुम भूल ही गए आशीष चंचलानी वॉइस नाम का तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है बोल के। नहीं क्या, आशीष भाई की ट्रांसफॉर्मेशन देख के लोग उतना ही हैरान हुए जितना नोटबंदी में हुए थे। और आशीष चंचलानी द ओनली यूट्यूबर जो इंडिया से है पर मार्वल का यूट्यूबर है। कैसा मालूम? चलो देखो मालूम होता। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने आशीष भाई, बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं, लेकिन पालिका बाजार के टोनी स्टार्क तो तुम लग रहे हो इन दिनों। आशीष भाई में और गोलमाल सीरीज के पप्पी भाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों को अपना नाम और काम याद नहीं रहता। वो बात अलग है, आशीष भाई को एक एक साल तक अपना काम याद नहीं रहता, आई मीन यूट्यूब चैनल। आशीष भाई कहो या आशीष भाई मार्वल वाले कहो, एक ही बात है। कैसा बोलो, ये देखो, ये भी देखो, ये तो लाजमी देखो। नहीं, आशीष भाई का और मार्वल का कैसा रिश्ता है मालूम? जैसा सर्दियों का रजाई से, धूप का छांव से और
मॉर्निंग का स्टैंड से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं क्या आशीष भाई, एंड करने से पहले एक सवाल पूछूंगा मैं, वीडियो कब आ रही है आशीष भाई, कब आ रही है? क्या हुआ संघर्ष, तू रो क्यों रहा है? अरे बोल ना, क्या हुआ? क्या माँ दूध दही, तुझे माँ का दही क्यों चाहिए? अरे माँ का दही होता नहीं है, माँ का दूध होता है, पर अब वो कहाँ से लाए? ये देख, फक, ये तो तेरी एक्स की शादी का कार्ड है। बेनी बॉल जी, हर्ष भाई यार ये गलत है यार, हंसने के नाम पे रोना नहीं चाहिए। एक वक्त एक टाइम हुआ करता था जब हर्ष भाई की हर वीडियो ट्रेंडिंग में आया करती थी, क्योंकि वो ऐसे वीडियोस बनाते थे ओरिजिनल और अलग। लेकिन अब पता नहीं हर्ष भाई को क्या हो गया, सिर्फ पैरोडी वीडियो बना रहे हैं, वो भी नाजायज खान एजाज खान के ऊपर। समझ में नहीं आ रहा कि हर्ष भाई का डाउनफॉल आ गया, नए एजाज खान का कमबैक हो गया। नहीं क्या देखो जरा, वो अच्छी बोल दे बेटा उच्ची। और भाई को ओपन वर्कआउट क्या है कि जब भी मैं से रोड पे निकलता हूं ना, वैसे सारी औरतें मेरे को देख के भागने लग जाती हैं, और अपनी आसपास वाली औरतों को भी मोटिवेट करते हैं, भागो भागो। चले वो महीने में ना 40 औरतों को भागने लगा डाली मैंने, अरे बेटा एक तो लगड़ी थी वो भी मेरे को देख के भागने लगी। यू यू तो कभी कम किया भाई ने, यू मालूम क्या हुआ भाई ने बेटा, वो क्या बोला तो मशरूम बोलती, मशरूम नहीं नहीं मालदीव, मालदीव मसाला बोलते भाई, मसाला कुछ और बोलते, मल्लू आंटे नहीं मंडप मंडप मोलेस्टर। हां यही चीज ऊंची मोलेस्टर बेटा, ऊंची मोलेस्टर नाजायज खान। हर्ष भाई यार तुमने बेकार की लैमलेट दे दिया एजाज अंकल को, बेकार की। इससे ये साबित हुआ कि हर्ष बेनीवाल का डाउनफॉल चल रहा है। बाकी हर्ष भाई को देख के ऐसा नहीं लगता कि किसी ने गाजर आधा काट के रख दिया है, या फिर क्या बोलते हैं किसी ने 50% डाउनलोडिंग पे से इनको बीच में से खींच लिया है। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर अभी तो। हर्ष भाई सच सच बताना, कहीं तुम अपने आप को आधा लड़कियों के डीएम से तो नहीं छोड़ के आ गए? तू पागल है क्या? अबे तू पार तेरी मां। हां सच सच बताना, बहुत लगी, बहुत 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 भयानक लगने वाली है मेरी। वर फोटो की जाए, इस फोटोग्राफर ने साले ने, अरे कद्दू का फोटोग्राफर है, इतना अंधेरा क्यों है, लाइट क्यों नहीं लगाई गार्डन में? डीएसएलआर ही लूंगा अपना किसी दिन, बताता हूं फोटो का। आ आ ए आवाज ना आ रही भाई साहब, नेटवर्क खराब है क्या? हेलो हेलो, काम हो गया भाई साहब, आ जाओ। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही लोडो काम दिया मैंने, एक घंटे में जो काम। राउंड टू हेल, गांधी जी के वो तीन बंदरों के दोस्त है जो बुरा देखते भी है, बुरा सुनते भी है और बुरा बोलते भी है। हम जैसों को कॉमेडी और फनी कंटेंट बनाने के लिए अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, लेकिन राउंड टू हेल को सिर्फ गाली देना पड़ता है और बस हो गई कॉमेडी। नहीं नहीं फुल कॉमेडी। मरना क्या मरना, तेरे को डर नहीं लगता? राउंड 12 वो स्कूल है जिसमें हर सब्जेक्ट में एक नई गाली सीखते, हर सब्जेक्ट में एक नई गाली। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राउंड 12 अपने आप को गालियों में माहिर करना चाहते हो तो इस स्कूल को ज्वाइन करो, सॉरी सब्सक्राइब करो, बात तो एक ही है बस, बाकी ये तीन टीचर कर देंगे। क्यों भाई लोग रोला है, रोला रोला जमाना है, लोंडो में रोला क्रेज दबदबा हद से। नहीं नहीं रोला ही रहता, हम जैसों का सिस्टम रहता, उन लोगों का रोला रहता। देखो अपनी लंबी वीडियोस होती हैं, है ना, बहुत लंबी वीडियोस होती हैं, जैसे तुम्हारी होती है 12 मिनट की, तो 12 मिनट पे तो हमारा टाइटल आता है कि वीडियो शुरू होगी, अब तो टाइम तो लगेगा ना। आगे इस गलत गलत भिड़ गया तुम आज। भाई लोग रोल खत्म हो गया, हो गया अभी लास्ट तक चलेगा। मेरे मिस्त्री का सामान कान भाई देखो, कंटेंट भी हमारा चमार लगना पड़ रहा पंच मारने के लिए, वाकई में वक्त तो बहुत लगता है। अभी परसों ही मेरे दोस्त की शादी भी है, तब इन्होंने ईपीएल सीजन 3 डाला था, अब वो और उसके बच्चे दूसरी वीडियो का वेट कर रहे हैं। राउंड टू हेल को सलमान भाई से उतनी ही ऑब्सेशन है जितनी सलमान भाई को शेरा से है। कीप योर वॉइस डाउन, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर?
अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कहीं बाहर। यू नो ना हे तुम सब, हाँ तुम सब यार, अगर तुम वही पुराने 20s की गाली दे दे के थक चुके हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास राउंड टू हेल है। क्या है? राउंड टू हेल। आइए और नई नई गालियां सीखिए, कुछ अलग अलग तो कुछ अतरंगी अतरंगी, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। राउंड टू हेल, जो एक्सपर्ट है इसमें, मैं बोल दिया और फिर बार बार कहीं को बोलना नहीं। सो जिसका नाम होगा जैसा, राउंड टू हेल तुमको बना देगी गालियों में वैसा। हक से लाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, खत्म। ये रोस्ट कैसा था नहीं मालूम, बेस्ट था मेरी तरफ से तो भाई को, मुझे तो मालूम। ये अपना रोस्टिंग ड्रेस है, जब जब ये ड्रेस पहन के अपन आए रोस्टिंग में फाड़ दिए, एक ही नहीं होता तो पास 3 वीडियोस देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जाके देख ले। बाकी कैरी के लिंक से, कैरी के कमेंट के लिंक से जो आए उतना सब्सक्राइब कर देगा, जो मैं हर वीडियो में नहीं बोलता। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एटलीस्ट एक कमेंट कर दो, इसका पार्ट 2 भी लाता मैं, और इधर आ रहे थे नामा और लोगों को, पूरों को भी लाता हूँ, पार्ट 3-4 जितने भी हो रहे होते लेकर आप इधर पार्ट 2 के वास्ते थोड़े नामा है, देखो दिख रहे बस, ओके ना। फिर ऐसी दिखी वीडियो, कमेंट में मालूम जो भरना है बिंदास, किसकी भी जनता होंगे तुम, क्या बोलते हैं, राउंड 12 की जनता, आशीष भाई की जनता, या कैरी की जनता, या किसकी भी जनता, क्या भरना है भर देगा और कमेंट सकते हो, 24/7 खुला है तुम लोगों के पास। बाय, सी यू सून। ये वीडियो देखो और मैं नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो भी देखो, मैं लाता हूँ बहुत जल्द तगड़ा रोस्ट एक और, तब तक के लिए पीस आउट ब्लडी आर्मी।